हेलो एंड वेलकम टू देव आई स्टडी सेंटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और आप लोगों का देव आई स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर की बात करेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर इज आल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर कहता है, एक मैगजीम है, इस पे बेस्ड है द डॉक्ट्रिन। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन अ मैगजीम दैट सेज दैट Whoever grants a thing is deemed also to grant that without which the grant itself would be no effect. यानी कि अगर किसी को कोई ग्रांट है, कोई लॉ में किसी को कोई ग्रांट है, देन आपको वो पावर भी ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है जो उसको एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी होती है। या राइट, सो वी कैन इम्प्लाइड पावर जो है वो हम समझ सकते हैं इस चीज़ से कि जैसे आर्टिकल जो शेड्यूल 7 है उसमें हमारे तीन लिस्ट हैं। लिस्ट 1 में सेंटर को पावर एक्सरसाइज करने की, लिस्ट 2 में स्टेट को है, लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर को। यानी कि एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लिकर है। लिकर जो है वो तुम्हारा स्टेट को, कई सारे स्टेट हैं उन्होंने लिकर को बैन कर रखा है। नाउ अगर उसने लिकर को बैन कर रखा है और वो दूसरे स्टेट की बाउंड्री पे जाता है और उस बाउंड्री पे क्या होगा कि जो ट्रेड है वो इंटर स्टेट ट्रेड लागू होती है, तो क्या वो उसको मना कर सकता है? ऐसा वो नहीं कर सकता है। यानी कि एम्प्लॉयड पावर का मतलब यही है कि जो पावर एक्सरसाइज है उसको ये माना जाएगा कि उस अगर किसी को वो पावर दी हुई है तो उस पावर को, पावर के साथ साथ उस पावर को फंक्शन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी दी गई है। इसकी दो सब कैटेगरीज हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल यानी कि इसको एंसिलरी पावर भी बोलते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर। नाउ इसमें केस रेफरेंस है बीडी एंड बीडी लीव्स मर्चेंट एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके पावर, प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड पावर को वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहाँ उसके बगैर वह उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है और उसके बगैर नहीं किया सकता। यानी कि जो एम्प्लॉयड पावर्स है वहाँ पर एप्लीकेबल होगा जहाँ पे वो लॉ है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। इसका जस्ट रिवर्स है डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड प्रोहिबिशन। एम्प्लॉयड प्रोहिबिशन कहता है कि दिस इज जस्ट अपोजिट टू डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर। द डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द मैगजीम दैट एक्सप्रेसेस मेंशंस ऑफ वन थिंग एम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर थिंग। यानी कि अगर आपने एक चीज़ में कोई एक्सप्रेशन ले लिया है, उसको किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया है, तो दूसरी चीज़ में उसका एक्सक्लूजन होगा। जैसे कि हमारा जो मैंने तीन लिस्ट की बात की, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में, तो US और अमेरिका में ये कंसेप्ट अप्लाइड है। यानी कि जो सेंटर ने अगर कोई कानून बना दिया है तो उस पर स्टेट या फेडरल जो स्टेट है उसका कोई राइट्स नहीं होगा वहाँ पे, और अगर यहाँ पे जो डोमिनेंट अथॉरिटी है वहाँ पे वो स्टेट्स हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हमारे यहाँ पे जो डोमिनेंट अथॉरिटी है वो सेंटर है। यानी कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो, जैसे कि जिसमें दोनों को पावर बनाने का राइट है, लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, अब ये नई टेक्नोलॉजी नई इन्वेंट होगी, तो अब इस पर जो ये सब्जेक्ट है उसको रेजिडरी सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस रेजिडरी सब्जेक्ट पे जो पावर मेकिंग अथॉरिटी है वो कौन होगा? वो स्टेट होगा या सेंटर होगा? तो US और कनाडा में ये पावर मेकिंग अथॉरिटी है वो स्टेट लेजिस्लेचर है, और हमारे यहाँ पर जो रेजिडरी पावर है उसको, उसमें जो पावर मेकिंग अथॉरिटी है वो हमारी सेंटर है यानी कि पार्लियामेंट है। आई होप आपको ये इम्प्लाइड डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड पावर एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयड प्रोहिबिशन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।